अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। वीकेंड लॉकडाउन, नाम बदला है लेकिन काम वही है। जिस तरह से पूरे ज़िले में दुकानों को बंद किया गया लॉकडाउन, जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कि मुझे एक दिन दीजिए, आज उस एक दिन, जिस तरह हमने फिल्म देखे थे नायक, जिसमें उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है अनिल कपूर को, और जिस तरह हाहाकार मच जाता है और जो महान तब्दीलियाँ आ जाती है, उसी तरह हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने जब हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन का माहौल लाया, एक दिन मांगा, एक दिन के साथ आज एक साल जाते हुए आज दूसरा साल भी सत्यानाश होता दिखाई दे रहा है व्यापारियों के लिए। जिन कारोबारी छोटे छोटे कारोबार थे, वो कारोबार खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं। कई लोगों ने हमारे परभणी ज़िले के इंदूर तहसील में दो व्यापारियों ने अपनी आत्महत्या कर शहादत नोश की। इस बात को लेकर भी आज जिला प्रशासन यहाँ पर जो सोया हुआ है, हम इसको कहेंगे कि भी जो व्यापारियों के लिए जो उनके सूझबूझ नहीं चल रही है, इसकी वजह यह है कि दिन पर दिन पेशेंट बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उसके हैबत में जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसके हैबत को लेकर यह माहौल यहाँ पर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। परभणी ज़िले में जिला अधिकारी ने पहले ही लॉकडाउन लगाया हुआ था, उसको देखते हुए फिर बीच में व्यापारियों ने और कुछ NGO और सेवाभावी संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर आवाज़ उठाई, उसमें कुछ रियायत दी गई जिला अधिकारी की ओर से, जो सुबह 7 से लेकर सुबह 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे के बाद कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने के बाद इस बात पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो छूट दी गई, उसी के दौरान महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए। उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमाम मंत्रियों ने ये बात बताई थी कि अब इसमें लॉकडाउन नहीं लगेगा, सिर्फ जो है तो वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कुछ रियायत रहेगी और निर्बंध कड़क रहेंगे। लेकिन जिस तरह आदेश निकाले गए, उसमें तमाम दुकानों को बंद किया गया है, सिर्फ अत्यावश्यक और ज़रूरतमंद चीज़ों को ही खुला रखा है, ऐसा बात कहकर यहाँ पर पूरी तरह से वीकेंड लॉकडाउन यानी कि पूरा लॉकडाउन लगाया गया। इससे आप व्यापारी तंग आ चुके हैं, व्यापारी इस लॉकडाउन को, वीकेंड लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं करने की नौबत पर है, और उन्होंने आज हमारे परभणी ज़िले के जिंतूर तहसील से आवाज़ उठाई है। वहाँ के विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर को मिलकर उन्होंने निवेदन दिया, उसी के साथ पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर से भी मिलकर उन्होंने बात कही, और वहाँ के तहसीलदार द्वारा जिलाधिकारी और जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री के पास ये निवेदन दाखिल किया है कि आपने अगर से आज 7 तारीख को हमने जो निवेदन दिया है, 2 दिनों में अगर से निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो पूरे तमाम व्यापारी अपने दिल से अपने आम कर पूरी तरह बनते हुए ये दुकानें खोल देंगे। इसके लिए यहाँ के अध्यक्ष नीलेश दरड, इन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये कहा है कि अगर से व्यापारियों को अगर से सताया जाएगा, तो इसकी आत्महत्या के लिए जो जिम्मेदार रहेंगी वो प्रशासन रहेगा। यावर्षी परतीच्या बीमारीने ग्रस्तात त्यांच्या उपचारासाठी व्यापाऱ्यांकडे पैसा नाही, त्यामुळे यावर्षीच्या लॉकडाऊनला आमचा सत्य विरोध आहे। आमचं म्हणणं आहे की आमच्यावर अटी शर्ती निर्बंध लागले, जे व्यापारी कायदेपूर्वी 5 किंवा 10 पेक्षा जास्त लोकांना प्रवेश देतील अशांना काही दंड लावा, परंतु दिवसा कमीत कमी 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत सर्वच व्यापारी बाजारपेठ सुरळीत चालू द्यावी। व्यापारी बाजारपेठ सुरळीत असल्यावर कुठेही नागरिकांना करायचं ते अवघड झालेलं आहे। इंदूर तालुक्यात आर्थिक वंचनेतून एका व्यापारीने आणि हा सातत्याच्या लॉकडाऊनमुळं आत्महत्या केलेली आहे, त्यांच्या घरी कुटुंब उघड्यावर पडलेले, असे बरेच व्यापाऱ्याचे कुटुंब आज उघड्यावर आहे। तरी शासनाने याची दखल घेऊन हा लॉकडाऊन हे काही आर्थिक निर्बंध काही निर्बंध लावावे पण आता लॉकडाऊन करू नये असे इंदूर तालुका व्यापारी महासंघाच्या वतीने। सध्या शासनानं 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन घोषित केला। शहरातील अनेक दुकानं स्वतःच्या मालकीची नाहीत, त्या दुकानदारांना 1000 रुपये भाडं, नौकरांचा पगार, गृहखर्च चालवा कुठून असा प्रश्न पडला असून सध्या व्यापारी आर्थिक डबखाईस आलेले आहे। त्यामुळं राज्य शासनानं लवकरात लवकर व्यापारी प्रतिष्ठाने उघडण्याची परवानगी द्यावी, अन्यथा
दिनांक 9 एप्रिल रोजी आम्ही कायदा हातात घेऊन समयपूर्तीनं दुकानं उघडतील याची नोंद शासनानं घ्यावी. तो व्यापाऱ्याचं कर्ज कसं फेडायचं, उदरनिर्वाह कसा करायचा, असे नाना प्रश्न आहेत. त्यामुळे शासनाने काय करायला पाहिजे, शनिवार रविवार लॉकडाऊन ठेवायला व्यापाऱ्याची कुठलीही मनाई नाही. 2 दिवस बंद ठेवा, कडक निर्बंध लावा. रोजही सकाळी 10 वाजून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत जर व्यापाऱ्यांना त्यांची आस्थापना चालू ठेवण्यास परवानगी दिली तर काय होतं. आज काय होतं, शासन काय करते, देतं तेव्हा पूर्ण ढील देते आणि नाही त्यावेळेस पूर्ण व्यापाऱ्याला अडकून टाकते. मग ती गर्दी जी होती, शेतकरी असो किंवा स्थानिक गिरायक असो, त्यांची जी गर्दी व्यापार मार्केटमध्ये होते त्यामुळे कोरोना फैलावू शकतो. रोजची जर सवलत दिली त्यामुळे कोरोना वाढणार नाही, व्यापारी त्याची दक्षता घेतील. तुम्ही व्यापाऱ्याला पूर्ण निर्बंध लावा, सर्व निर्बंधाचं जे पालन करणार नाही त्याला कडक शासनही करा, दंड लावा, त्याला तेवढंच नाही पण व्यापारी वर्गासाठी 5 दिवस मोकळा व्यापार करू द्या, 10 ते 6 परमिट द्यावी, अशा प्रकारे शासनाला निवेदन देण्यासाठी मी तहसीलदार साहेबांकडे आलो होतो. मी तहसीलदार साहेबांकडे निवेदन दिले आहे आणि त्यांचे शासनाकडे पाठवून त्याची तड लावून द्यावी अशी विनंती आहे. सबस्क्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update. अवैध रेती के साथ ट्रैक्टर जब्त, 2 पर अपराध दर्ज, LCB की कार्रवाई. पूर्णा तहसील के कानखेड़ से ट्रैक्टर द्वारा अवैध रेती ले जाने की जानकारी मिलने पर LCB के दस्ते ने तारीख 7 अप्रैल 2021 बुधवार के शाम 7 बजे के दरमियान घटनास्थल पहुंचकर रेती के साथ एक ट्रैक्टर से कुल 3,06,000 रुपये की सामग्री जब्त करते हुए 2 पर पूर्णा पुलिस थाने में कानूनी कार्रवाई की गई है. ये कार्रवाई SP जयंत मीना, एडिशनल SP मोमका सुदर्शन, इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर PSI विश्वास खोले, PSI चंद्रकांत पवार, पुलिसकर्मी सुग्रीव केंद्रे, शंकर गायकवाड़, यशवंत वाघमारे, विष्णु भिसे, अजहर पटेल, दीपक मुदिराज, अरुण कांबड़े, दीपक मुंडे, इनके दस्ते ने ये कार्रवाई की है. परभणी जिले में राशन दुकानदारों की देखते हुए माहौल हो और आज जिला प्रशासन ने आपूर्ति विभाग की ओर से परभणी जिले के तमाम राशन दुकानों पर जो मक्का आ रहा है वो मक्का खाने लायक है या नहीं ये उसकी तो तफसील नागरिकों के सामने आएगी. उसी के साथ साथ हम ये बता दें कि अपने मराठवाड़े के नागरिकों को मक्का ये अनाज नहीं चलता है, इसलिए आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिस तरह 13 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा, उसी के साथ साथ 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, इसी के पीछे लगते हुए एक महीने के लिए पवित्र रमज़ान आ रहे हैं, इनको देखकर यहां के राशन दुकानदारों की संगठनों ने मिलकर आपूर्ति विभाग के अधिकारी को निवेदन दिया और निवेदन में ये कहा है कि ये आने वाला जो मक्का है इस महीने में मक्का ना लाया जाए, इसके बजाय गेहूँ ज़्यादातर राशन दुकानों पर राशन कार्ड वालों को दिया जाए ताकि उनके पेट तक वो अनाज पहुँचे और ये आने वाले त्योहारों में उनको कुछ सुख सुविधाएँ मिल सके. इसके लिए उन्होंने निवेदन दिया है और निवेदन में ये भी कहा है कि जो मक्का लाया जा रहा है, जो अनाज, इसके पहले भी जवारी जो आई हुई थी राशन दुकानों पर, वो जवारी ऐसी थी कि जानवर भी खा नहीं सकते, ऐसी खराब बेहाल खराब जो दिखाई दी अनाज, ये अनाज जो है तो राशन दुकानों पर दिया जा रहा है. ये सरकारी दुकानें होने के कारण, यहाँ पर ये अनाज देने के कारण ये लोगों को अपने ना चाहते हुए भी ले जाना पड़ता है और वो दुकानदारों को भी मजबूरन अपने पास दुकान पर लाना पड़ता है. ज़िला प्रशासन इस ओर ध्यान दे, आने वाले दिनों के त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी और जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी, इनसे उन्होंने ये मांग की है कि आने वाले दिनों के लिए, अब यानी कि अप्रैल के महीने में जो अनाज आएगा उसमें मक्का कम दिया जाए ताकि एक राशन कार्ड धारक को सिर्फ जो है तो 1 किलो मक्का मिले और गेहूँ उसके बजाय ज़्यादा दिया जाए और चावल दिया जाए. ऐसा एक राशन कार्ड धारक को 5 किलो अनाज देने का अवधि उसमें प्रावधान बताया गया है. वो 5 किलो अनाज जो दिया जाएगा उसमें 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ और 1 किलो मक्का, इस तरीके का भी बात उन्होंने उसमें रखी है. लेकिन ये अनाज खाने लायक हो ऐसी बात भी की जा रही है. इस मामले को लेकर जो ये संगठना ने निवेदन दिया है उस संगठना के अध्यक्ष, इन लोगों ने तमाम जो लोगों ने जो निवेदन दिया वो निवेदन को आपके सामने रखते हुए, अब ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी हो चुकी है कि आने वाले दिनों में यानी अप्रैल के महीने में ये अच्छा अनाज नागरिकों तक पहुंचाए. 100% लाभार्थियों की इच्छा है कि मक्का के बजाय गेहूँ दिया जाए या फिर 1 किलो मक्का और 2 किलो गेहूँ दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन जिला आपूर्ति पुरोठा विभाग को दिया गया है. इस निवेदन पर अध्यक्ष दिलीप फड़, उसके साथ जिला कार्याध्यक्ष सैयद आरिफ, सैयद इस्माइल, तहसील सचिव एम ए रोश, तहसील अध्यक्ष सदाशिव रेंगे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है. मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की इतिहास रहा है कि यहाँ की जो भी क्रांति हुई है और जो भी जो यलगार हुआ है यहाँ पर पत्रकारों की तरफ से ही हुआ है. यहाँ के हर बात को लेकर
लोहा मनवाने की ताकत यहाँ के पत्रकार ही रखते हैं। यहाँ पर जो मराठवाड़े की जो मामला है, जिस तरह के यहाँ की विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी यहाँ के पत्रकारों ने जद्दोजहद करते हुए जद्दोजहद कर कर मराठवाड़े में यूनिवर्सिटी लाई हुई थी और यहाँ स्थापना की गई थी। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि अकोले के देश उन्नति के संपादक प्रकाश पोहरे, इन्होंने आज अकोले में जो वहाँ पर पुलिस की तानाशाही चढ़ रही थी, उस तानाशाही को ख़त्म करते हुए उन्होंने जो बात कही है, वहाँ के व्यापारियों को जो दिलासा दिया है और वहाँ के लोगों को जो समाधान मिला है, वहाँ के व्यापारियों को और क्षेत्रीय किसान वर्ग को, वो जो दिलासा उनके जो बात कही गई और वो बात की वजह से उन्होंने जो वहाँ के किसानों की और व्यापारियों की जो हिम्मत अफजाई की है, वो हम बताते हैं उन्होंने किस तरह से बात की और वहाँ के पुलिस प्रशासन को क्यों खामोश रहना पड़ा, वहाँ के जिला प्रशासन को भी क्यों खामोश रहना पड़ा। बहुत तकलीफ हो रही किसानों के नाम से, नहीं तुम्हारे को बिल्कुल गाड़ी हटवणार नाही रे, कोणी गाड़ी हलवायचे नाही दिसून अजिबात, उगा गाड़ी नीक माल अजिबात काय दुकाने बिकाने कोणी बंद नाही ठेवायचे, काही नाही चालेल, काही मार्केट नाही, काही बंद नाही, काही लॉकडाऊन नाही, लॉकडाऊन नाही, सब चालू रखो, बिल्कुल चालू रखो। शेतकरी बिचारे माल विकून राहिले, इथं म्हणतात की गाड्या लावू नका, नमूक करू नका, शेतकऱ्यांना की आठ दिवस मालाच नाही आणायचा भाजीपाला, आणि पाय तो काय खाता आणि कशी जगता, बरोबर उद्या ऑर्डर देते ना सर, समजा की हे काही शेतकरी उद्यापासून आपल्याला देणार नाही, सर्वात आहे शेतकऱ्यांनी याने माल खाऊ घाला जनावर आहे, म्हणजे झालं 10 रुपयाने 8 रुपयाने ते माल विकून राहिले फक्त, टरबूज आणि खरबूज फक्त, लाज आणि शरम वाटायला पाहिजे, आमचं प्रोडक्शन कॉस्ट आहे 15 रुपयाचे आम्ही, बरं आता मी उद्या ऑर्डर देऊन टाकतो, शेतकरी येणारे 8 दिवस कोणी भाजीपाला आपल्याला जाणार नाही, उद्या सांगतो, उद्या टेन्शन नको घेऊ तू, उद्यापासून एकही शेतकरी अकोल्यात भाजी बाजार आणणार नाही, भाजीपाला आणणार नाही, आलं का बहुत तकलीफ हो रही किसानों के नाम से, नहीं तुम्हारे को शेतकऱ्यांच्या नावाने खूप त्रास होऊन राहिला, नाही तर तुम्हाला शेतकऱ्यांचा व्यवस्था करतो त्यांची, आपण पाठवलं एक असं या इथून तिथपर्यंत अलग अलग सगळे लोक बसून ऐका ना, इथे एकाच ठिकाणी सगळे जर गर्दी केली करता सर्व शेतकरी नाहीत ना, इथे करता तिथं शेतकरी नाही, शेतकरी असते तर शेतकऱ्याचा माल असेल ना तो, हा काय सहायता कारखान्यात तयार झाला काय माल, अरे आपण यांना जागा देतो तिथं, आपण जागा दिलो त्यांना, एकाच ठिकाणी गर्दी केली ते तुम्हाला चालते, नाही नाही आपण त्यांना करतो ना जागा देतो, तिथं खूप मोठे आहेत, तुम्हाला सांगतो तुमचं काहीच चुका नाही आहे, लोक ज्या दिवशी हातामध्ये गळतीचे घेऊन देतील की नाही ठोक्याले, लोक ऑलरेडी परेशान आहेत साहेब भरपूर, म्हणजे तिथं साधारण 10 लाख लोक जमा आहेत त्या बंगालमध्ये, त्याच्यामध्ये तिथं कोरोना नाही होत, महाराष्ट्रातच कोरोना आहे फक्त। हिंगोली जिले के विधायक तानाजी मुटकळे, इन्होंने वहाँ हिंगोली के जिला अधिकारी रुचेश जयवंशी इनसे मिलकर ये बात अवगत कराई कि आप हिंगोली जिले में यहाँ के व्यापारियों के लिए कुछ समय सूचित दी जाए, ताकि आने वाले त्योहारों को देखते हुए यहाँ के व्यापारी जो परेशान हैं, जिन पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, ये लॉकडाउन हटाकर इसमें सहूलत दी जाए, वैसा नहीं किया गया तो इस पर आने वाले 2 दिन के भीतर वो अपने आप पर जिम्मेदारी लेते हुए, अपने पे गुनेह दाखिल कर लेते हुए तमाम व्यापारियों को कारोबार खोलने की अनुमति देंगे, इस तरह की चेतावनी भरा ये बात बताते हुए उन्होंने क्या कहा हमारे संवाददाता से, आइए जानते हैं। जिल्हा प्रशासनाला आम्ही 2 दिवसाचा अल्टिमेट दिलेला आहे, 2 दिवसांतर जिल्हा प्रशासनानं यावर निर्णय नाही केला, दुकानदारांना दुकानं जर उघडू नाही दिली तर आम्ही स्वतः भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते दुकानासमोर उभं राहून दुकानं उघडायला लावणार आहोत, जे काय कारवाई होतील त्या कारवायला आम्ही सामोरं जाणार आहोत। पाथरी तहसील में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर यहाँ के DYSP, उसी के साथ साथ यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और वहाँ के नगर पालिका के CEO, इन लोगों ने मिलकर जो वहाँ के व्यापारियों के साथ जो बातचीत रखी है, उसमें वहाँ पर वो लोगों ने पूरी तरीके से समर्थन दर्शाते हुए वहाँ के व्यापारियों ने अब 6 बजे के बाद से तमाम दुकानें, जो अत्यावश्यक सुविधाएं की भी दुकानें हैं, वो तमाम बंद रखी है। इसको देखते हुए आज 7 अप्रैल के रोज़ वहाँ पर जो मार्च निकाला गया, जिसमें DYSP, नगर पालिका के CEO और उसी के साथ साथ वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, ये तमाम लोगों ने मिलकर वहाँ पर जो रूट मार्च किया और
रास्तों से चलने वाले लोगों को ये बात बताई कि आप 6 बजे के बाद से आपको घर से बाहर निकलना नहीं है। इस बात को वहाँ के नागरिकों ने भी, सुजान नागरिकों ने मान लिया और अब जो वहाँ की जो दुकानें हैं वो दुकानें पूरी तरह बंद रहते हुए वो प्रशासन को साथ दे रहे हैं। और पाथरी तहसील में हमेशा ये व्यवहार रहा है कि प्रशासन की हर बात को माना जाता है और वहाँ के जो पुलिस PI है और उसी के साथ साथ वहाँ के DYSP है, इन्होंने वहाँ की जो शांति सुव्यवस्था का माहौल रखा है, वहाँ के जनता के साथ जो उन्होंने अपनी समन्वय बना रखा है, उसके कारण वहाँ का सभी मामला आसानी से चल रहा है। ये बात हमारे वहाँ के संवाददाता ने बताई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद शरद पवार साहब, इन्होंने कोरोना की टीकाकरण का दूसरा डोज लेते हुए आज, इसके पहले भी 1 मार्च के रोज शरद पवार साहब ने एक डोज लेते हुए आज 1 महीने के बाद दूसरा डोज लिया है। आज ये हमारे लिए एक सवनीय और अच्छी बात है कि आज जागतिक स्वास्थ्य दिन भी है, उसके कारण केंद्र सरकार ने नियमों के तहत हर एक को इस डोज लेने की आह्वान करते हुए इस समय JJ अस्पताल में के जो नर्स श्रद्धा मोरे, इन्होंने जो शरद पवार को डोज दिया है या टीकाकरण किया है, उस पर उन्होंने शरद पवार साहब ने उसका आभार माना है। उसी के साथ साथ इस JJ अस्पताल के अधिष्ठाता डॉक्टर तात्याराव लहाने और वहाँ के डॉक्टर पदक इस समय हाजिर थे। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।